बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम एंड दिस इज़ योर SST क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ दी अर्थ। अर्थ का मतलब है हमारी ज़मीन का हिस्सा। अवर अर्थ इज़ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारी अर्थ ज़मीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, यूनिवर्स कायनात का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम मतलब सूरज के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसका भी एक हिस्सा है, और हमारी ज़मीन उधर तीसरे नंबर पे है। अर्थ इज़ शेप लाइक अ स्फीयर। ये एक गोल, अर्थ की जो शेप है वो गोल स्फीयर की तरह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट दी एंड। नॉर्थ और साउथ पोल से ये थोड़ी सी चिपटी हुई है, मतलब सीधी बैठी हुई है। लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत अरसा पहले लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। लेटर ऑन साइंटिस्ट प्रूव दैट दी अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने यह बात प्रूव कर दी कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि वो स्फेरिकल गोल है। द जियोग्राफर है डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट रीजन। तो जियोग्राफर्स जो ज़मीन की स्टडी करते हैं उन्होंने अर्थ को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। लेट देम डिस्कस वन बाई वन। फर्स्ट, वट आर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गटीट्यूड। टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेज ऑन द अर्थ वी शुड हैव डिफरेंट पॉइंट्स। हमें अर्थ पे अपनी लोकेशन को फाइंड करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू गेट दिस पॉइंट फिक्स वी यूज सेट ऑफ इमेजनरी लाइन्स। तो इन पॉइंट्स को फिक्स करने के लिए हमने कुछ इमेजनरी लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। दीज इमेजनरी लाइन्स आर नोन एज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गटीट्यूड। नाउ वट इज़ इक्वेटर। द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के सेंटर में जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये ज़मीन को दो हाफ के अंदर डिवाइड कर देती है। एक हाफ को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड सेकेंड हाफ इज़ नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। वाई दिस कॉल्ड एज द हेमिस्फीयर? बिकॉज हेमी मीन हाफ, दैट्स वाई दिस पार्ट्स नोन एज द हेमिस्फीयर। सो द पार्ट्स दैट इज एट द साइड ऑफ नॉर्थ पोल, जो पार्ट नॉर्थ पोल की तरफ है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ पोल की तरफ है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लैटिट्यूड्स इन डिटेल। द लाइन्स डैट सर्कल द ग्लोब हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे ये सीधी, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है डैट स्ट्रेट लाइन, जो लाइन ग्लोब को ऐसे कवर करती हैं। दीज ऑल नाइन लाइन्स आर नोन एज द लैटिट्यूड। दे आर 90 टूवर्ड द नॉर्थर्न पोल एंड 90 टूवर्ड द साउदर्न पोल। तो टोटल 180 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर प्रेजेंट इन आवर इक्वेटर या इन आवर अर्थ। दीज लाइन आर ड्रॉन अबव एंड बिलो द इक्वेटर। ये लाइन्स इक्वेटर के अबव भी ड्रॉ की जाती हैं, इक्वेटर के बिलो भी ड्रॉ की जाती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन आर सेम। इन लाइन्स का डिस्टेंस सेम है, जैसे कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि सब लाइन बराबर के डिस्टेंस पे हैं और बराबर के डिग्री पे ड्रॉ हुई हुई हैं। दीज लाइन आर 90 लाइन टू द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ सेंटर इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ ये 90 हैं और इक्वेटर के साउथ की तरफ भी 90 लाइन ड्रॉ है। तो टोटल 180 लाइंस हैं हमारे पास लैटिट्यूड की। सो व्हाट आर द लॉन्गटीट्यूड? द लाइन दैट सर्कल द ग्लोब वर्टिकली। नाउ वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, सीधा। तो जो ग्लोब को सीधे तरीके से कवर कर रही हैं दीज लाइंस आर नोन एज द लॉन्गटीट्यूड। द बेसिक पर्पस ऑफ दीज लाइन इज़ टू डिवाइड द अर्थ इन टू डिफरेंट टाइम जोन्स। इसी की वजह से जो दुनिया में टाइम है वो बन रहे हैं। हमने जितने भी टाइम जोन्स डिस्कवर किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइन ऑफ लॉन्गटीट्यूड। दीज लाइन पासिस टू द 0° लॉन्गटीट्यूड ऑफ द इंग्लैंड ग्रीनविच इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये जो पॉइंट है 0° का, यहाँ से जो लाइन पास कर रही है इस एरिया को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। द टाइम डिफरेंट पाथ ऑफ अर्थ इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू दीज लाइन। तो डिफरेंट टाइम्स हम इस लाइन के रेफरेंस से बताते हैं कि दुनिया के ममालिक्स में टाइम जो है वो इन लाइन की रेफरेंस पे है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सिस। एक्सिस इज एनी सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच बॉडी रोटेट। तो जो भी सेंटर का पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। लाइक अगर हम पहिए की एग्जांपल लेते हैं तो पहिया भी एक अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। तो जो उसका सेंटर होता है दैट इज़ नोन एज द एक्सिस। तो अर्थ के सेंटर को हम उसका एक्सिस कहेंगे। द अर्थ इज स्टेबल एट 23 ऑन द एक्सिस एंड टेक अ फुल डे 24 स्पिन। व्हेन अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ के गिर्द अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है और अगर वो सूरज की तरफ मूव करती है तो दैट्स फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड इफ इट मूव अवे फ्रॉम द सन देन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट टेक प्लेस। What if the earth axis has not been tilted? अगर अर्थ टिल्ट नहीं करेगी तो हमारे साथ क्या होगा? Obviously, अगर अर्थ के टिल्ट करने से डे और नाइट की फॉर्मेशंस हैं तो अगर अर्थ टिल्ट नहीं करेगी तो हमारे पास डे और नाइट की जो लेंथ होंगी वो इक्वल हो जाएगी और उसके अलावा हमारे पास हमेशा एक ही सीज़न रहेगा, सीजन्स चेंज नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।